दोस्तों आप भी भारतीय टीम को एक बेहतरीन टीम मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम को मिली हार के बावजूद टीम ने कई शानदार रिकॉर्ड अपने नाम हासिल किए। तो चलिए बताते हैं आपको भारतीय टीम का रिकॉर्ड के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा में से कौन बेहतरीन ऑलराउंडर है? नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज 18 जुलाई से शुरू हुई थी और इस सीरीज का आखिरी मुकाबला शुक्रवार 23 जुलाई को खेला गया। बता दें इस सीरीज में भारतीय टीम ने श्रीलंका के पहले दो मैच जीतकर पहले ही सीरीज की ट्रॉफी पर अपना नाम दर्ज कर लिया था और तीसरा मैच खेलना तो खाली एक औपचारिकता थी, लेकिन फिर भी ये मैच दोनों टीमों के लिए काफी ज्यादा अहम था क्योंकि जहां एक तरफ भारतीय टीम श्रीलंका की टीम को हरा के श्रीलंकाई टीम को क्लीन स्वीप करने पर मैदान पर उतरी, वहीं दूसरी ओर श्रीलंकाई टीम इस मैच को जीतकर अपनी लाज बचाने मैदान पर उतरी। दोस्तों इस मैच के शुरू होने से पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि भारतीय टीम ने जिस तरीके से पहले दो मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन दिखाकर श्रीलंकाई टीम को धूल चटाई थी, वह इस मुकाबले में भी ऐसा ही प्रदर्शन दिखा के श्रीलंकाई टीम को क्लीन स्वीप करने में सफल रहेगी। लेकिन दोस्तों श्रीलंकाई टीम के प्रदर्शन को देखकर ये सारे अनुमान गलत साबित हो गए। दोस्तों बता दें श्रीलंका के भारत के खिलाफ ये 57वीं जीत थी। इससे पहले इन दोनों टीमों के बीच कुल 161 वनडे मैच खेले गए थे जिसमें भारतीय टीम ने 93 मैचों में जीत हासिल कर रखी है, वहीं श्रीलंकाई टीम ने 56 मैचों में जीत हासिल कर रखी थी। दोनों टीम के बीच आज तक सिर्फ एक ही मुकाबला टाई हुआ और 11 मुकाबले में नतीजे रहे। दोस्तों इस मुकाबले में भारतीय टीम ने युवा खिलाड़ियों को मौका देकर एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया जिसमें उन्होंने क्रिकेट इतिहास में एक ही मैच में सबसे ज्यादा युवाओं को मौका देकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। बता दें इस मुकाबले में 5 नए खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया गया था जिनका नाम है राहुल चाहर, कृष्णप्पा गौतम, नितिश राणा, चेतन सकारिया और संजू सैमसन। दोस्तों श्रृंखला में हार्दिक पांड्या ने कैसा रिकॉर्ड बनाया जिसको देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। बता दें श्रृंखला में उनका अब तक का सबसे खराब वनडे औसत रहा, इस सीरीज में उनका औसत मात्र 10 का था। हार्दिक पांड्या का श्रीलंका के खिलाफ ये कहीं ना कहीं बेहद ही शर्मनाक रिकॉर्ड है। बता दें सीरीज में भारतीय टीम की ओर से वनडे मैचों में डेब्यू कर रहे सूर्य कुमार यादव ने अपनी पहली सीरीज में शानदार प्रदर्शन करके मैन ऑफ द सीरीज का खिताब हासिल कर लिया और ऐसा करने वाले वो भारतीय टीम के पहले खिलाड़ी बने। दोस्तों बता दें श्रीलंका टीम ने एक बेहद ही लंबे अंतराल के बाद भारतीय टीम को वनडे मुकाबले में हराया है। श्रीलंकाई टीम ने आखिरी बार भारतीय टीम को 2017 में वनडे मुकाबले में हराया था। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या T20 सीरीज में भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी श्रीलंकाई टीम को अपने जबरदस्त खेल के प्रदर्शन में हराकर और कोई नायाब रिकॉर्ड अपने नाम कर सकेंगे या नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।